रामगंज फोटा खुर्रा पर हो रहे अतिक्रमण से मिला अहमद ने बताया कि 2017 में नगर निगम हेरिटेज में कंप्लेंट देने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। कई बार थाने पर भी परिवाद दिया गया लेकिन थाने में भी कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित दर बदर ठोकरे खाने को मजबूर हो रहे हैं। और जमील अहमद ने यह भी बताया कि अलीम जागीरदार और हकीम जागीरदार घर पर आकर मुझे धमकी दी है और ये भी कहा कि जहां जाना है आप जा सकते हैं, ये जमीन मैं लेकर रहूंगा। फूटा खुर्रा पर मोहल्ले की यही दरखास्त है कि पुलिस प्रशासन, नगर निगम, हेरिटेज जल्द से जल्द इस मामले की कार्यवाही करे। जमील अहमद साहब, आपके साथ क्या वाकया पेश आया अभी तक? मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि उन्होंने कोई मकान लिया है बराबर में, उसके बराबर एक सरकारी जमीन है जो कि सरकारी है। मैंने उसकी अर्जी भी लगा रखी है 17 में और 2020 में, मगर इन्होंने उसको ख़रीद भी ली और उसके ऊपर आगे बनाने की कोशिश करी। मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने को वो मेरे साथ अंदर आए। अलीम और हकीम जागीरदार ये दोनों भाई हैं और आगे मुझे धमकी देने लगे मारने की, या तेरे से जो हो सके कर लियो और ये तो बना कर रहेंगे हम। ये जो जमीन खड़ी है ये किन की जमीन है? ये सरकारी जमीन है या हेरिटेज की जमीन है? सब सरकारी जमीन है ये। तो आपने इनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करा रखे हैं पहले से? 2017 में भी दर्ज हुई हुई है कंप्लेंट नगर निगम में और 2020 में भी कंप्लेंट मेरी नगर निगम में हुई हुई है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जिन्होंने ये मकान खरीदा है, हाँ, पड़ोसी ने, हाँ हाँ, तो ये अभी आपसे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम जमीन हमने खरीद ली है निगम से और हम इस पे बनाएंगे। मैंने उस पे जो है इनका विरोध किया तो इन्होंने मुझे अंदर मेरे अंदर आके मेरे को धमकी दी और मेरे मकान के अंदर आके धमकी दी और इन्होंने कहा हम तो बनाएंगे, तेरे से जो हो सके रोक लियो। तो आपने इस बात को लेके आपके नज़दीकी थाने में कोई मुकदमा दर्ज कराया है? अजी साहब, इन्होंने मुकदमा जो है ना FIR लगाई, इन्होंने दरख्वास्त दी, इन चारों साहब ने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के वहाँ पर मेरी बेइज्जती भी करी और मुझसे कहा तेरे से हो सके ना जो रोक लियो, हमारे डल के अंदर आदमी 5000 आदमी है हमारी कौम के, तेरे जैसे को तो पता नहीं कितों को देखते हैं हम। तो आपने अपने तरफ से मुकदमा दर्ज कराया या नहीं कराया? हमने साहब दरख्वास्त लगाई है थाने पे, मगर वो दरख्वास्त की सुनवाई ज़रा सी भी नहीं हो रही है हमारी और हम परेशान हो रहे हैं। और मैं जो है अभी अपोलो में होके आया हूँ, 3 दिन एडमिट होके आया हूँ, मेरा हार्ट अटैक आ गया मेरे को उसी थाने से आने के बाद और मैं परेशान और हो गया हूँ। यानी थाने से भी आपको कुछ भी बदले नहीं, हेरिटेज आपकी कोई मदद नहीं कर रहा? ठीक, धन्यवाद।